वेलकम बैक टू आवर चैनल मिस्टर टैक्वोंडो। सो आज का जो वीडियो है वो हमारा होने वाला है बैक किक के ऊपर। आज मैं आपको बैक किक का दो टेक्निक बताने वाला हूँ, एक जो आप फाइट में यूज कर सकते हो और सेकंड जो आप कुंसे में यूज कर सकते हो। तो बिना टाइम इसके लेट्स स्टार्ट। तो चलते हैं सबसे पहले हम कुंसे वाले टेक्निक में, जिससे कि आपको टेक्निक समझ आ जाए। और क्योंकि जो हम फाइट वाला है उसमें इतना टेक्निक खास नहीं है, पर कुंसे वाले में ज्यादा टेक्निक है, तो आपको जो है ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा, जैसे कि मेरा यहाँ पे ये एक तरीके से समझो टारगेट है, तो आपको इसमें और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। ये मेरा टारगेट है, मेरा फाइटिंग स्टांस है, क्योंकि मैं राइट से अटैक करके आपको शो करने वाला हूँ और बताने वाला हूँ। राइट से तो मेरा राइट लेग पीछे, अगर आप राइट से अटैक करोगे तो राइट लेग पीछे, अगर आप लेफ्ट से अटैक करोगे तो लेफ्ट लेग पीछे, ठीक है। मेरा ये राइट से, तो राइट से इधर से है। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ से आपको पैर फोल्ड करके निकालना है। पहले सबसे पहले आपको बॉडी टर्न, हाफ इतना बॉडी टर्न करना है, पैर अप करना है, साइड लेके जाना है इस तरीके से, और यहीं से आपको जो है डाउन होना हल्का सा बॉडी, और ये पूरा चीक ऊपर तक खोलना है, ठीक है। अब इसमें मेन बात ये कि अगर आपको स्ट्रेचिंग होगा उतना ही अच्छा आपका साइड किक निकलेगा, मतलब कि बैक किक निकलेगा, ठीक है। और स्ट्रेचिंग नहीं खुल रहा तो आपको डिस्क्रिप्शन में स्ट्रेचिंग का लिंक मिल जाएगा, कैसे कर सकते हैं स्ट्रेचिंग, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं। सिंपल से आपको पहले हाफ बॉडी टर्न, नी अप, साइड, अब यहीं से आपको जो है पूरा पैर खोलना है, ठीक है। अब फिर से बॉडी टर्न, नी अप, साइड और अटैक, ठीक है। ये हुआ हमारा कुंसे वाला, इसको आप और अच्छे से भी कर सकते हो, जैसे कि स्टेपिंग में। यह है फाइटिंग स्टांस, फिर वन मेजर टर्न एंड बैक किक, पूरा खोलना है पैर। हो सकता है कैमरा से उधर से कट गया हो, तो मैं आपको यहां से एक बार शो कर देता हूं। यह है वन एंड यहां से डायरेक्ट ओपन, ठीक है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका बैलेंसिंग बनेगा। और ध्यान देना है, जब भी आप ऊपर बैक किक करो तो आपका जो ये पैर है ये बराबर ऐसे होना चाहिए। अगर ये बैक किक ऐसे हो रहा है तो ये राउंड आउट हो जाएगा, या फिर ऐसे या ऐसे, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। आपका जो बैक किक है वो एकदम परफेक्टली कुछ इस तरीके से खुलना चाहिए, मतलब कि पैर, ये तो अभी जो मैंने साइड किक दिखाया आपको पैर का बता रहा था, पैर एकदम एग्जैक्ट बराबर होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आया, स्टेपिंग लेके कीजिए, स्टेपिंग वाला बता रहा हूँ। टर्न, नी अप, हल्का साइड, हिप अप, यहाँ से, अब यहीं से आपको किक ओपन, टेक यहीं से, यहाँ अब नी अप, ये हिप टर्न, पंजाबी, नीचे से पंजे से रोटेशन, एंड यहीं से आपको हल्का बॉडी डाउन करना है और तुरंत पैर ओपन, समझ आ गया। ये आपका कुंसे से कर, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके कंट्रोलिंग होगा और उतना अच्छे से आप कर पाओगे, ठीक है। ये था हमारा कुंसे का टेक्निक, मतलब कि कुंसे वाला बैक किक का टेक्निक, ठीक है। अब हम करेंगे फाइट वाला। फाइट वाले में क्या है कि आपको डायरेक्ट पॉइंटिंग लेने से मतलब है, ठीक है। आपको उसमें इतना ज्यादा टेक्निक नहीं देखना, क्योंकि ड्यूरिंग फाइट अगर आप टेक्निक देखने की कोशिश करोगे तो टाइम लग जाएगा, और बैक किक में इतना टाइम नहीं मिलता, ठीक है। आपको जैसा आया एनिमी तुरंत क्या रुके अटैक, इतना आपके में स्पीड होना चाहिए, तो उसका भी एक अलग टेक्निक है जिससे कि आप स्पीड कर सकते हो। क्योंकि अगर बैक किक में जो मैं बता रहा हूँ कुंसे वाला, अगर वो आ रहा है बंदा तो ऐसे घूमने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। या फिर ऐसे आ रहा है तो यहाँ से ऐसे करके बाहर से आता है, ठीक है। ये आपका आता है बाहर से, क्योंकि देखो ये मेरा टारगेट है, टर्न हुआ कुंसे वाला बता रहा हूँ, और ये ऐसे है तो यहाँ से ये बाहर से आएगा। पर अगर आपको वही बैक किक अंदर से अटैक करना है, ठीक है, तुरंत, तो आपको ये है यहीं से सीधा यहीं से ओपन, समझ रहा है। ये आपका बैक किक क्या होगा, ये है एक तो वायर डिटेक्ट करना, पता है वॉइस क्वालिटी अच्छा करने के चक्कर में वायर डिटेक्ट करना। अब यहाँ से तुरंत ये घुमा, ये अब हम क्या कर रहे थे कुंसे वाले में, ये बाहर आ रहा था ऐसे हिप टर्न करके, पर इसमें हिप टर्न नहीं करना है आपको, यहीं से सीधा, ये सीधा हिप आपका यहीं से डायरेक्ट बैक, समझा, जैसे कैमरे के सामने बता रहा हूँ। ये है, अभी मैं पहले कुंसे वाला बता रहा हूँ एक बार,
टर्न हुआ, हिप सीधा है इसमें, पर जब आप अटैक करोगे पुंछ वाल में टर्न होगा हिप, देन किक ओपन होगा राइट। पर फाइट वाले में ऐसे नहीं होगा, फाइट वाले में आपको डायरेक्ट पॉइंट में लेने से मतलब है। तो टर्न हिप यहीं से सीधा अप देन किक, समझ रहा? यह है ऐसे नी अप टर्न बैक किक। इससे क्या होगा कि फाइटिंग में स्पीड बनेगा, ठीक है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूं बिना माइक के। अब दोनों में स्पीड देखना किस में स्पीड होगा। देखो सबसे पहले आपको जो है वाला दिखाता हूं, कुंसे वाला, तो उसमें क्या है तुरंत ये राइट, और वही आपका जो है बैक किक फाइटिंग वाला तुरंत। देखो इसमें क्या है पावर भी लगेगा, और जो पुंसे वाले में वो आपका जो है टेक्निक लगेगा और वो टचिंग होगा। जैसे कि पुंसे वाले में क्या है कि यहां से आएगा टचिंग, पर बैक किक जो अगर आपको फाइट वाला करना उसमें पावर मिलेगा, ठीक है। पावर चाहिए तो आप फाइट वाला करना है, अगर आपको टेक्निक सुधारना है तो आप पुंसे वाला करना है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सा सीखना है। आप चाहो तो दोनों ही सीख सकते हो, ज्यादा हार्ड नहीं है, दोनों का टेक्निक बहुत ही बेसिक है। पहला वाला लेफ्ट लेग पीछे स्टेपिंग बता रहा हूं, स्टेप लिया, टर्न हुआ, नी अप, साइड हिप, देन यहीं से किक ओपन। और वही अगर आपका फाइट वाला है टर्न नी अप डायरेक्ट किक, ये आपका बैक किक। पर इसमें ध्यान देना आपको दोनों में ही टारगेट आपको जो है देखना है, यह टर्न टर्न होते ही देखना है, यहां से और यहीं से अटैक, ये आपका बैक किक फाइट वाला, और टर्न यहां से नी अप साइड एंड ये आपका पुंसे वाला। तो दोनों का यही टेक्निक बहुत ही इजी है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका स्पीड होगा। आप जब बैक किक जो मैं अभी बता रहा हूँ फाइट वाला, अगर फाइट वाला सीख जाते हो तो आपका जो है आप ये कुछ स्ट्रेचिंग वाला बैक किक भी ट्राई कर सकते हो, जिसका लिंक आपको जो नीचे मिल जाएगा। हो सकता है मेरा कैमरा एंगल यहाँ से हेड कर जाए, पर आप समझ जाना। जैसे कि यह है नीचे, तो यहाँ से जंप करते ही आप इजी तरीके से आप बैक किक भी कर सकते हो। यह चला, इसमें भी वही टेक्निक है, आपको पूरे नीचे से आएगा, इसमें आप बाहर से नहीं ला सकते, बाहर से लाओगे तो वो इस तरीके से आएगा किक, पर हमें बीच में से लाना है। तो यहीं से ठीक है इस तरीके से वही समझ आ गया। इस तरीके से आप जो है प्रैक्टिस करते रहोगे जितना, उतना आपका अच्छा होता जाएगा बैक किक। तो आज के लिए वीडियो यहीं तक, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिए अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ। आई नो थोड़ा सा नॉइस आ रहा है, बिकॉज ये पिकनिक जगह का है तो जंगल में नॉइस बहुत ज्यादा है, तो हो सकता है तो थोड़ा सा इग्नोर करके देखिए। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।